हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं ड्रामा टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यहां पर यूट्यूब पर शॉर्ट कैसे अपलोड किया जाता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यहां पर बेस्ट तरीका बताने वाला दोस्तों, जिससे कि आप यहां पर अगर आप इस तरीके से शॉर्ट को अपलोड करते हो तो आपका शॉर्ट जो है डेफिनेटली आपका यहां पर जो है वायरल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करके आपको बताते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे अगर आप यहां पर इस तरह से शॉर्ट को अपलोड कर लेते हो दोस्तों, तो आपका यहां पर यूट्यूब टीम जो है आपके यहां पर देखिए शॉर्ट का बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन भेजता है और जिससे दोस्तों आपका यहां पर शॉर्ट का जो है वायरल होने का चांस जो है बढ़ जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको यहां पर यूट्यूब शॉर्ट को अपलोड करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए YouTube का ऑफिशियल ऐप को ओपन कर लेना है एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारा कुछ जो है डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों अगर आप यहाँ पर बताए गए तरीके से आप यहाँ पर अपना शॉर्ट को अपलोड कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 99% चांस है दोस्तों कि आपका शॉर्ट जो है वायरल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर जो है अपना शॉर्ट को अपलोड कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर अपना यूट्यूब के एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए प्लस वाला आइकन दिखेगा, तो सिंपली से आप इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए क्रिएट ए शॉर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली से आप इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड जैसे है दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से कैमरा जो है ओपन होकर आ जाता है। तो आप यहाँ पर जो अपना फाइल को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए अपना फाइल को सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, इस भाई ने हमको बताया कि इसका चैनल पर एंड इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपना फाइल को सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए डन के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड जैसे आप यहां पर डन करते हो दोस्तों आपके यहां पर देखिए इस तरह से आपके वीडियो का प्रोसेसिंग चलता है। जैसे कि हम यहां पर से जो अपना शॉर्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए साइन मार्क के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो दोस्तों आपके यहां पर देखिए इस तरह से जो ओपन होकर आ जाता है, तो जिसमें से दोस्तों आप यहां पर से जो इस तरह से म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों अगर आप यहां पर म्यूजिक को ऐड नहीं करना चाहते हो तो सिंपली से आप यहां पर देखिए बहुत सारा आपके यहां पर फीचर्स देखने को, जिससे दोस्तों अगर आप यहां पर अपना वीडियो का जो है आप यहां पर जो है फिल्टर करना चाहते हो, फिल्टर लगाना चाहते हो, तो सिंपली से आप यहां पर देखिए फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आप इन तरीकों से जिस तरह से आप यहां पर फिल्टर को ऐड कर सकेंगे एंड इस तरह से दोस्तों आप यहां पर देख लेंगे एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर देखिए ऐड डिटेल्स का पेज जो है ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको यहां पर टाइटल एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर थंबनेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो सिंपली से दोस्तों आप यहां पर से जो अपना थंबनेल को इस तरह से आप यहां पर देखिए पेंसिल वाले मार्क के ऊपर क्लिक कर ले एंड जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों इस तरह से वीडियो जो है लोडिंग लेगा एंड इसके बाद दोस्तों आप यहां पर से अपने वीडियो से किसी भी पार्ट का आप यहां पर थंबनेल में लगा सकेंगे। चलिए हम यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से आप यहां पर थंबनेल को सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आपको यहां पर देखिए इस वाले पार्ट को अगर आप थंबनेल में लगाना चाहते हो तो सिंपली से आप इसको भी लगा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप यहां पर कोई सा भी दूसरा पार्ट को अगर आप यहां पर थंबनेल में ऐड करना चाहते हैं, इस तरह से दोस्तों आप यहां पर से जो स्क्रॉल करके दोस्तों आप यहां पर से जो इस तरह से थंबनेल के लिए क्लिप को आप यहां पर जो सेलेक्ट कर सकेंगे एंड इसके बाद दोस्तों आपके ऊपर डन के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहां पर डन पे ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों आपके यहां पर देखिए इस तरह से थंबनेल जो ऐड हो चुका है और उसके बाद दोस्तों आप यहां पर जो इस तरह से टाइटल को ऐड कर लेंगे। टाइटल में दोस्तों आपने यहां पर जिस भी टॉपिक में अगर आपका यहां पर शॉर्ट बनाए हो दोस्तों आप जो है उस टॉपिक को यहां पर देखिए टाइप करके आप उसको टाइप कर लेंगे एंड जैसे दोस्तों हम यहां पर देखिए अपना टॉपिक को इस तरह से टाइप कर लेते हैं एंड इस तरह से दोस्तों आप यहां पर अपना टाइटल को इस तरह से टाइप कर लेंगे एंड टाइटल टाइप कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए अपलोड शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां पर अपलोड शॉर्ट कर लेते हैं दोस्तों आपका यहां पर दोस्तों इस तरह से जो है आपका यहां पर देखिए यूट्यूब पर आपका शॉर्ट इस तरह से प्रोसेसिंग लेकर आपका यहां पर देखिए अपलोड हो जाएगा एंड जैसे दोस्तों आपका ये अपलोड हो जाता है दोस्तों आपको यहां पर देखिए YT स्टूडियो को ओपन करना होता है दोस्तों। तो चलिए हम जो है अपना YT स्टूडियो को ओपन करके आपको दिखाते हैं एंड इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर YT स्टूडियो को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए लेटेस्ट पब्लिश कॉन्टेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, आपका शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपली से आप यहां पर देखिए उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके यहां पर देखिए दूसरा पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें से दोस्तों आप यहां पर देखिए पेन वाले आइकॉन पे क्लिक करके दोस्तों आप यहां पर देखिए इस तरह से आ जाएंगे एंड इसके बाद दोस्तों आप यहां पर जो है इसके बारे में आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में टाइप कर सकेंगे। तो सिंपली से दोस्तों आप यहां पर अपने वीडियो में जो कुछ भी बताया होंगे आप जो है उसके बारे में डिटेल से आपको यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन जो है ऐड कर लेना है एंड इस तरह से दोस्तों आप यहां पर जो है डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेंगे और उसके बाद आपके यहां पर देखिए बैक आ जाना है और उसके बाद दोस्तों आपके यहां पर देखिए टैग्स लगाना है। तो सिंपली से हम यहां पर देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टैग्स वाला ऑप्शन, तो सिंपली से आप यहां पर आ जाएंगे एंड इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखिए ऐड टैग्स के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप यहां पर जो कुछ भी ऐड करके आप यहां पर टैग्स लगाना चाहते हो दोस्तों सिंपली से आप इस तरह से टैग्स को ऐड कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहां पर जो कुछ भी कैटेगरी में आपको यहां पर शॉर्ट जो है बनाए हुए दोस्तों आप जो है उसके कैटेगरी में आपको यहां पर देखिए 15 टैग को ऐड कर लेना है। जो भी आपका यहां पर कैटेगरी पे जो है वायरल टैग हो दोस्तों सिंपली से आप उसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। वीडियो के अनुसार दोस्तों आपको यहां पर टैग लगाना होता है एंड इस तरह से दोस्तों आप यहां पर से जो अपना टैग को एंटर कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए बैक आ जाना है दोस्तों।
और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सारा कुछ जो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से दोस्तों अगर आप इसको जो प्लेलिस्ट पे ऐड करना चाहते हो तो सिंपली से ऐड टू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर जो इसको इस तरह से प्लेलिस्ट के ऊपर टैप कर लेंगे, शॉर्ट को इस तरह से प्लेलिस्ट के ऊपर ऐड कर लेंगे। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेव कर लेते हो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से जो वीडियो पब्लिश हो चुका है। एंड इस तरह से पब्लिश हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 2-3 मिनट तक वेट करना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है फिर से YT स्टूडियो को ओपन करके देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए अपने शॉर्ट पर जो है बहुत सारा व्यूज देखने को मिलेगा दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन बढ़ जाएगा दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ पर 99% जो है आपका शॉर्ट जो है वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को जो पूरा वॉच कर लिया हो दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर जो है शॉर्ट को अपलोड करेंगे जिससे कि आपका शॉर्ट जो है 99% जो है वायरल हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर जो है 2023 में शॉर्ट को कैसे अपलोड करके आप अपना शॉर्ट को वायरल करवा सकेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ड्रामा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आपको यहाँ पर डेली मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।